हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्स एंड बैनर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और इस इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपने शेप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकेंड लास्ट में स्टार्स एंड बैनर शो कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कई टाइप्स के शो करते हैं स्टार्स, 4 पॉइंट स्टार, 5 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार, और बैनर्स में आपके पास ये नंबर्स वाले और रिबन बैनर्स हैं। आपने जो भी चाहिए आप सेलेक्ट करके स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट करके स्क्रीन पे सेलेक्ट एंड ड्रैग कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, बस फिगर को सेलेक्ट करना है और ये एक नया टैब ओपन हो जाता है, फॉर्मेट टैब। और बाकी शेप की तरह आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, शेप कलर चेंज कर सकते हैं, बेसिक चीज़ जो है शेप के आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, शेप के इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपने बस यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिखना है और एंटर करना है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके इस वर्ड आर्ट स्टाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप स्टाइल चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप इसकी लेंथ और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पर विज़िट करें। थैंक यू।